गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए साइंस? चलिए लेट अस स्टार्ट द जीके। जीके स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया जीके को भी, है ना? एज यू नो वी हैव कम्प्लीटेड 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर तो अपने कम्प्लीट हो गए। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 11, 6th स्टैंडर्ड जीके। ओके, चैप्टर नंबर 11 है आपका एनवायरमेंटल टर्म्स एंड इशूज। एंड ओपन योर बुक्स पेज नंबर 19, 20 एंड 21। तो सबसे पहले आ जाइए आप 19 पे। दिस इज द 19। लेट अस स्टार्ट। एनवायरमेंटल टर्म्स एंड इश्यूज, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे टर्म्स है, इश्यूज है, वो है एनवायरमेंट एंड सेफ्टी। एनवायरमेंट कॉम्प्रोमाइजेज द अर्थ, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनवायरमेंट में क्या क्या आता है? हमारी धरती आती है, एयर आता है, पूरा हवा, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन इज़ अ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसे क्या है, साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लूज दिए हुए हैं और उसका आंसर आपको दिखना है, लेकिन जंबल वर्ड्स में आंसर भी लिखा हुआ है, यानी कि आपको सिर्फ शब्दों का हेर फेर करना है और आंसर लिख देना है। A community of living organisms interacting with each other as well as their physical environment, non-living community. इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी living organisms की community जो न सिर्फ आपस में interaction करते हैं बल्कि वो अपने physical environment यानी कि non-living components के साथ भी क्या करते हैं, interaction करते हैं। इसको बोलते हैं अपन पहला ecosystem, ECO, इको। देखिए बेटा, इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसके जितने भी लेटर आएंगे सब कैपिटल में आएंगे, ठीक है। सेकंड है डिकेड ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स। सड़ा हुआ, गला हुआ ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट्स के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर यानी कि खाद का काम करता है, इसको बोलेंगे कंपोस्ट। सेकंड पे आइए, कंपोस्ट। थर्ड नंबर पे आइए, पॉइजनस सब्सटेंस। जो पॉइजनस जहरीले पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स एंड अनस्टेबल एलोट्रॉपी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक ऐसा अस्थिर रूप इन द स्ट्रेटोस्फीयर दैट एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। सन की अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और स्ट्रेटोस्फीयर एंड अनस्टेबल एलोट्रॉपी ऑफ ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन का एक अस्थाई एलोट्रॉपी जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेता है, ओजोन। डीकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया विद इन अ टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के साथ में जो डीकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, ओके। टर्न योर पेज, पेज नंबर 20 पे आ जाइए। एनिमल, ऑल द एनिमल्स स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम। किसी एक पर्टिकुलर रीजन या समय के अंदर रहने वाली वो सारी स्पीसीज क्या कहलाती है, फौना, FAUNA। एनिमल स्पीसीज, समझ में आया ना, प्लांट स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हम। सेवेंथ नंबर पे आइए, ग्रेजुअली इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर
bringing on a permanent climatic change. धीरे धीरे धरती के तापमान में होने वाला परिवर्तन जो कि एक परमानेंट क्लाइमेट को परमानेंटली चेंज कर देता है. क्या होगा भाई, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डिक्रीज होता नहीं, इंक्रीज ही होता है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज. धरती के सरफेस टेम्परेचर में धीरे धीरे होने वाली तेजी जिसके कारण परमानेंट जलवायु का परिवर्तन हो जाता है. क्या आएगा, सोचो सोचो, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग एट नंबर पे है. नेचुरल फ्यूल फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ब्यूरिड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कोई ऑर्गेनिक मैटर जमीन में दबा हुआ था, उसके कारण, उसके डीकम्पोजिशन के कारण हमको नेचुरल फ्यूल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल. आ गया आपका. नाइन नंबर पे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्पोज्ड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ फ्रेश रिसोर्सेज. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बदलना, डिस्पोज्ड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट, जो डिस्पोज किए बिना काम की चीज़ें होती हैं उसको नए मटेरियल में बदलना. रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ फ्रेश रिसोर्सेज, जो फ्रेश रिसोर्सेज है उसको कमी हो जाएगी. ठीक है ना, एक तो आप पुरानी चीज़ से नई बनाएंगे और एक नया इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द, तो इसको बोलेंगे रिसाइकल. टेन नंबर पे आइए, प्रेसिपिटेशन कंटेनिंग पॉल्यूटेंट्स कंबाइनिंग विथ वाटर वेपर becomes highly acidic. देखिए, precipitation हो रहा है containing pollutants, उसमें प्रदूषित चीज़ें भी हैं आपके, pollutants भी हैं. Combining with water vapor, पानी की भाप के साथ में water vapor के साथ जुड़ जाता है और बहुत ज़्यादा acidic हो जाता है. Precipitation तो आसमान से हो रहा है ना यार, तो कौन होगा, acid rain. देखिए 10 नंबर हम लोग इधर कर देते हैं. एसिड रेन. 11 नंबर पे आ जाइए, पेज नंबर 21. अ साइट फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय ब्यूरिंग इट. एक ऐसी जगह जहाँ पर डिस्पोजल को, वेस्ट जो डिस्पोजल है आपका, उस सॉलिड वेस्ट को, उसको अंदर दबा दिया जाता है. लैंडफिल. क्या बोलेंगे, लैंडफिल. 12 नंबर है, थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय बर्निंग इट इन फर्नेस. थर्मल ट्रीटमेंट है ना ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब थर्मल से मतलब बिजली से रिलेटेड है, बिजली से उसका इलाज करना सॉलिड वेस्ट का, बाय बर्निंग इट इन द फर्नेस, उसको भट्टी के अंदर जला देना, मतलब सॉलिड वेस्ट को एक बहुत बड़ी भट्टी के अंदर जला देते हैं, उसको बोलते हैं इंसिनरेशन. जो जितने भी आपके हॉस्पिटल वगैरह के होते हैं ना, तो वहाँ पर इंसिनरेशन मशीन लगी होती है, वो बहुत जल्दी सारा जितना भी गंदगी दिन भर की निकलती है उसको जला दिया जाता है. फोर 30 नंबर है, स्प्रिंग ऑफ केमिकल्स पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स फंगिसाइड्स ऑन क्रॉप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट. एक एयरक्राफ्ट के द्वारा फसल के ऊपर केमिकल्स छिड़कना, जैसे पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप डस्टिंग. क्या बोलते हैं उसको हम, क्रॉप डस्टिंग. 14 नंबर पर है, द एटमोसफियर ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन थ्रू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस. एटमोसफियर क्या करता है,
ट्रैप्स इंफ्रारेड रेडिएशन थ्रू प्रेजेंस ऑफ सन, कुछ गैसों की उपस्थिति के कारण वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, रिजल्टिंग इन वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, और उसके कारण धरती की सतह क्या होती है, गर्म हो जाती है। उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब लास्ट आता है 15 नंबर, माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन मूविंग अवे फ्रॉम ओवर क्राउडेड अर्बन एरियाज टू लो डेंसिटी एरियाज एट जॉइनिंग द सिटी। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसका माइग्रेशन, वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा रही है। मूविंग अवे फ्रॉम ओवर क्राउडेड अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, ओवर क्राउडेड हो गई है, वहाँ से टू लो डेंसिटी एरियाज एडजॉइनिंग द सिटी, सिटी के पास में जो जुड़े हुए, सिटी से जुड़े हुए लो डेंसिटी, मतलब जहाँ पर भीड़ भड़ाका नहीं है, कॉलोनी टाइप का एरिया, समझ में आया ना, तो वहाँ पे मूवमेंट हो जाता है, उसका माइग्रेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्बन SPRA स्पार्वल। अर्बन स्पार्वल हो गया आपका, इकोसिस्टम से स्टार्ट किया अर्बन स्पार्वल 15, दिस इज द चैप्टर नंबर आपका हो गया कंप्लीट। कौन सा चैप्टर है, दिस इज द 11th चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड। थैंक यू।